तो स्वागत है आप सभी का मेरे अपने चैनल में। तो आज हम बनाएंगे लिंगर की सब्जी। तो आप इसके जो हेयर्स होते हैं उसे साफ़ कर लीजिए। आफ्टर दैट आप इसको छोटे छोटे कट कर लीजिए। आप थोड़ा बड़ा भी कट कर सकते हैं, बट मुझे छोटा पसंद है। यहाँ मैंने एक प्याज काट लिया है, यहाँ मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट तैयार कर लिया है, ये मैंने एक मिर्च काटी है, और यहाँ पर कट कर लिया है गार्लिक, और ये मसाला है। और अब चलिए बनाते हैं। यहाँ पे मैंने पीला सरसों तेल डाल दिया है, आप यूज़ कर सकते हैं रिफाइंड या घी भी। पहले मैं इसमें डालती हूँ जीरा, उसके बाद कटा हुआ जो लहसुन है वो डाला है। अब मैं इसमें मिक्स कर दूँगी कटा हुआ प्याज। अब हम इस प्याज को तब तक भूनेंगे जब तक कि ब्राउन नहीं होता है। तो थोड़ा थोड़ा ये कलर आने लगा है। अब मैंने डाला है इसमें कटा हुआ जिंजर और एक कटी हुई मिर्च। ये लोकल पहाड़ी सब्जी होती है, आप ही इसे बना सकते हैं, ये आपको कहीं पर भी बाज़ार में मिल जाएगी। तो अब मैं डाल रही हूँ इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट, प्लस मैंने इसमें मिर्ची भी कूट के डाली है। इसे अच्छे से भून लेते हैं और अब डालेंगे हम अपने स्पाइसेस, नमक स्वाद अनुसार, मिर्च, और डालेंगे थोड़ी सी हल्दी पाउडर, और थोड़ा सा मैंने मसाला डाला है, मिक्स्ड मसाला, गरम मसाला। बाकी अगर आप थोड़ा और मसाला ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे। मिक्स कर देते हैं इसको अच्छे से सारी सब्जी को। तो ये देखिए, आपको इसका टेस्ट थोड़ा थोड़ा कुरकुरी भिंडी की तरह लगेगा। अभी हम इसे ऐसे ही धीमी आंच पे छोड़ देंगे, मैं इसे इंडक्शन पे छोड़ूंगी। उससे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा घी, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, बट घी से थोड़ा टेस्ट और अच्छा होता है। अब मैं इसे रखूँगी इंडक्शन पे और फिर देखेंगे ये बनी कि नहीं। चलिए चेक कर लेते हैं। तो ये अभी नहीं बनी है, हम बीच बीच में इसे चेक करते रहेंगे और मैं मिलती हूँ आपको अब लास्ट में जब ये बन जाएगी। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो ये बन चुकी है हमारी सब्जी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।